हरदा से इस बीच एक बड़ी खबर है। 2 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली है, दूसरी बच्ची घायल अवस्था में मिली है, इलाज जारी है। कल पिता के साथ दोनों बच्ची बाहर गई थी, शव के पास से एक हथौड़ी भी बरामद हुआ है, पिता फरार है, तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हंडिया थाना क्षेत्र का मामला है, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली है, दूसरी बच्ची घायल अवस्था में मिली है। कपिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कपिल, अब तक इस मामले में क्या सामने आ पाया? एक 2 साल की बच्ची की लाश मिली है, दूसरी बच्ची घायल है, किस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है, क्या सामने आ पाया अब तक इस पूरे मामले में? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला हंडिया थाना क्षेत्र के ग्राम भवर तालाब का है, जहाँ पर एक दिन पहले कल शाम को जो पिताजी थे अपने दोनों बालिकाओं को लेकर डॉक्टर का बोल के निकले थे कि डॉक्टर पास लेके जा रहे हैं, लेकिन जब 24 घंटे तक घर नहीं आए तो परिजनों ने सोचा कि रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, लेकिन जब पता किया कहीं नहीं मिले तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो दर्ज कराई हंडिया थाने में। इसके बाद शाम को करीब 6:30 के लगभग गाँव के बाहर जंगल में एक 2 साल की बच्ची की जो छोटी बालिका थी उसकी लाश मिली, वही एक जो बच्ची 5 साल की है वो घायल अवस्था मिली, तो घायल अवस्था वाली बच्ची को तत्काल हरदा जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देकर भोपाल रेफर किया गया। वही दूसरी बच्ची के सबका पंचनामा बना के उसे मर्चरी कक्ष में रखवा दिया गया और सबके पास से एक हथौड़ी भी मिली है। प्रथम दृष्टया ये कहीं ना कहीं उसकी हत्या देखी जा रही है कि उसकी गला घोट और सिर में हथौड़ी मारकर उसकी हत्या की गई है बालिका की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी का।